लक क्या है? सुनो, लक एक बंदा फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या उसको कभी फ्रीलांसिंग का कोई क्लाइंट मिलेगा? बताओ। एक बंदा फ्रीलांसिंग के बारे में जानता है लेकिन आज तक उसने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया, क्या उसको फाइवर से ऑर्डर मिलेगा? एक बंदा फ्रीलांसिंग जानता है, स्किल है, वो फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ है, सोशल मीडिया में उसने अपने सर्कल में कभी अपडेट नहीं किया कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसको अपने सोशल मीडिया से क्लाइंट्स मिलेंगे? क्या एक बंदे के पास स्किल है, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, उसके सर्कल में किसी को नीड थी और उसने उसकी फ्री में नहीं सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन एक दूसरे बंदे ने उसको फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर दी और उसने बाद में उसको पेड क्लाइंट रख लिया? हु इज लकी हियर? द वन हु टेक एक्शन। तो जनाब, अगर आप कह रहे हैं ना लक, लक क्या है, जितने एक्शंस लेते जाओगे, जितने स्टेप्स लेते जाओगे, उतनी लक करीब आती जाएगी, ठीक है, कुंभ सीधी हो जाएगी, ठीक है। गुरु को आज आप जानते हैं, गुरु की 10-15 साल की स्ट्रगल है, लकी लकी जिसको कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस उनके लिए होती है जिनको नजर आ रही होती है, उससे पूछो जिसकी सारा कुछ टाइम उस पर लग गया, राइट? बात समझ रहे हैं? सो जनाब प्लीज निकाल दें इसको। जब आप कहते हो ना लक, अरे यार लक, जब आप कहते हो ना लक पे छोड़ दिया, तो लक कहती है मैं तो नहीं आती तेरे पास, तू आएगा मेरे पास, तू एक कदम मेरे पास आ, 10 कदम मैं तेरे पास आती हूँ। तो फाइवर पे एक गिग बनाता था, तो आज 4 गिग बना, तेरी लक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने सर्कल में नहीं अपडेट करता था, तुम्हारा सोशल मीडिया का प्रोफाइल नहीं था। मैं खुद बताता हूँ, यार मतलब, अच्छा सुन लो, ये भी रियल प्रैक्टिकल बताता हूँ, $150। अच्छा, मैं एक सेशन वॉच आउट कर रहा था, उस सेशन के अंदर क्या हुआ कि उन साहब को उन्होंने अपडेट किया कि मुझे सोशल मीडिया की फलां फलां सर्विसेज के लिए लोग चाहिए और मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूँ, कोई बंदा मुझे मिल नहीं रहा, और लोग कहते हैं कि जी हम कर देंगे कर देंगे, जब मैं कह रहा हूँ मुझे बंदा चाहिए, कोई बंदा मिल नहीं रहा। अच्छा जी, बंदा कैसे नहीं मिल रहा, ऐसी की तैसी बंद होगी। मैंने अपने कोचिंग स्टूडेंट से कहा कि जनाब ये क्लाइंट है, इसको फलां चीजें चाहिए और इसके पास आपने जाना है, इसको अप्रोच करो। अच्छा सर हम ठीक है, अभी अप्रोच करते हैं। मैं कहा रुको, ये अभी सबर करो, ऐसे नहीं अप्रोच करना। कैसे अप्रोच करो? ये जाओ उसका प्रोफाइल चेक करो, इसको ये चीज की नीड है और इसको इस चीज के अंदर ये काम करवाना है, ये चीज का काम, मतलब उसको वीडियो एडिटिंग करवानी थी, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, जाओ वीडियो बनाओ जैसी उसको चाहिए और उस वीडियो को उसको सेंड करो और उसको कहो कि सर ये मैंने आपके लिए बनाई है और ये मेरी तरफ से फ्री है आपके लिए, इसको आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन जो को कुछ भी करवाना है तो बता दें, मैं आपको फ्री में करने को तैयार हूं। एंड यू नो व्हाट हैपेंस, वो $150 पर मंथ का उसका क्लाइंट बन गया। लकी लकी ही वॉज लकी। दूसरे स्टूडेंट से मैंने कहा यार इसकी वेबसाइट चेक करो, इसकी वेबसाइट में बहुत सी चीजें इंप्रूवमेंट होने के लिए है, इसकी वेबसाइट का प्रोटोटाइप बनाओ, इसको सेंड कर दो। इसे कहो कि सर ये मैंने आपके लिए वेबसाइट का प्रोटोटाइप बनाया है और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और जो है ना ये देखना, अगर आप उसको मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है तो बता दिया। उसने कहा यार तुम्हारा काम बहुत अच्छा पसंद आया, मैं तुम्हें जो है ना काम दूंगा वेबसाइट का। तीसरे स्टूडेंट से मैंने कहा यार एक काम कर, इसकी वेबसाइट का इसका कंटेंट जो है ना बहुत ज्यादा, इसने वीडियोस वगैरह बनाई हुई है बट ये स्कैटर्ड हुआ हुआ है। अब ये अक्सर जिक्र कर रहा होता है या बता रहे होते हैं कि यार मेरी फलां वीडियो देख लो, फलां वीडियो देख लो, लेकिन बंदा कैसे देखे? तू जा एक डेटाबेस बना, एक्सेल शीट के अंदर यूआरएल डाल, वीडियोस का टाइटल डाल और उसकी डिटेल्स बना, वो एक्सेल शीट बना के उनको सेंड कर दे कि यार ये आपकी 50 वीडियोस या 50 कॉन्टेंट्स आपने बनाए हुए थे, तो ये मैंने आपके लिए डेटाबेस बना के ये आपके लिए जो है ना, ताकि आपका काम आसान हो जाए, कोई बंदा आपकी पेज पे आपकी वीडियो से भी आपके रिसोर्सेज में आता है, आप उसको ये लिंक दे दें कि यार आप मेरे बारे में और या मेरे कॉन्टेंट्स को देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे चले जाओ, ये सारे स्प्रेडशीट है और उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। उधर वो दिया, उसने उसको काम नहीं दिया, बट अ सीड वॉज प्लांटेड। कैसे?
कि वेन एवर ही नीड्स समवन जो उसको डेटा एंट्री का काम करके दे सकता है, तो कौन आएगा पहले जहन में? ये लकी पर्सन आएगा। आर ये एक क्लाइंट से जिसको एक चीज चाहिए थी, मैंने तीन अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट डायरेक्शन से मूव फॉरवर्ड करवा दिया। ये नहीं कि अप्रोच करो, काम करके दे दो उसको, क्या होगा? ना कर देगा, काम अच्छा होगा, क्लाइंट बन जाएगा। एक $150 का क्लाइंट बन गया एक स्टूडेंट, एक बंदे को उसने कहा कि जी मैं आपसे काम दे दूंगा, तीसरे बंदे का सीट बना, तीनों लकी एक क्लाइंट से। उस और मैं इधर हमेशा कहता रहा हूं, अक्सर कहता हूं, दोबारा कहता हूं, आप आते हो इस ग्रुप के अंदर, मैं फ्री में पोर्टफोलियो बनाने को तैयार हूं, मैं फ्री में लोगो बनाऊंगा, मैं फ्री में ये कर दूंगा, टके का जवाब नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज बोलूंगा, बड़े पका हुआ हूं और थोड़ा सा चाहूंगा कि क्लास हो जाए। अच्छा क्लास नहीं, आपको सिखाना चाहता हूं और आपको चाहता हूं आपका फायदा हो जाए यार, आप सारे रिस्पेक्टफुल पर्सन हो। देखें, जब आप इस ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे ग्रुप में कौन ज्यादातर लोग हैं, आपसे कौन काम करवाएगा? जिसके पास अभी तक कुछ है नहीं, जिसके पास अभी तक कुछ है नहीं। इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट योर स्किल्स, गो टू दैट पर्सन जो आपको करारा जवाब दे, आइंदा नहीं ये काम करना, आइंदा ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, आइंदा मुझे अप्रोच नहीं करना, ठीक है। और जब वो झिझोड़ेगा ना आपको, फिर देखो तुम ऐसी की तैसी, अच्छा तुम मैं सर करके देता हूँ आपको अच्छा काम, ठीक है। हम यार अर्तगुल तो देखा है ना सबने, छोड़ा तो नहीं ना किसी ने, कोई उससे आगे भी निकल गए होगे ना, सारे घोड़े पे तो बैठ गए। तो जब तक आप स्ट्रेटेजिक सोचेंगे नहीं दोस्त, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। स्ट्रेटेजिक गिव अवे करें, ग्रुप्स में चले जाएं जो कि गोरों के ग्रुप्स हैं, जहां पे तुम घबराओ अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए, बट बोलो राइट। और उधर 3 महीने कुछ नहीं बेचना, देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या जरूरत है। और अगर तुम उनके वर्डप्रेस का काम कर सकते हो या लोगों का काम कर सकते हो, कुछ भी, वो फ्री में बना के देते रहो। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे बताना अगर वहां से तुम्हें क्लाइंट्स की लाइन ना लगे, तुम करने वाले तो बनो। ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक गिव अवे। ट्विटर पे जाके सर्च मारो लोगो डिजाइन, वर्डप्रेस एरर, बग, जो भी तुम्हारे क्लाइंट्स के कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। लोग वहां पे चीख रहे हैं, मेरे फला फ्रीलांसर ने मेरे साथ ये मसला कर दिया, फला ने ये काम कर दिया, फला ने ये लोगो डिजाइन कर दिया, फला ने ये कर दिया। वहां पे लोग कहते हैं यार देखो लोगो, ये लोगो इनमें से कौन सा अच्छा लोगो है? तुम कहते हो यार तीनों गलत है। तुम डिजाइनर हो भाई, टॉप लेवल का डिजाइनर है, तुम कहते हो यार तीनों गलत है। अच्छा भाई तू बना के दे देना उसको, दे दो उसको बना के, उसे कहो कि मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप इसको यूज करते हैं मुझे एक टेस्टिमोनियल दे दो। भाई साहब वो बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट $500 की सेल होती है एक, ठीक है, जिसका मंथली रेवेन्यू $1,000 का है, $1,000 कह रहा हूँ, $1,00,000 का है, वो अपने सर्कल में अपडेट कर देता है कि यार ये बड़ा, ये मेरा जो लोगो है ना, फलां बंदे ने बनाया, उसने बड़ा अच्छा काम किया। तुम्हारे पास अब लोगों का आएगा, कितने वाला क्लाइंट आएगा? $500 वाला, $1,000 वाला, ठीक है। तुम लोगों बनाते हो $5 का, अगेन इट्स स्टेजेस, ऐसा ऐसा होगा। एक लोगों बनाता है $20,000 का, अबे साले उसमें क्या है? तुम कहते हो यार ये लोगो क्या है, ये 99 डिजाइन पे जाके कितने कॉन्टेस्ट है उनके ऊपर अगर आप अप्लाई करो, या देखो $20 की वेबसाइट पे चले जाओ, अपनी स्किल को चैलेंज करने तैयार हो जाओ दोस्त, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। स्किल को चैलेंज करने को तैयार हो जाओ और कहो कि मैं गिरने को तैयार हूँ। जिस तरह अर्तगुल देखते रहे हो ना, किसी ने कमेंट किया राइट, हर एपिसोड में पहले वो गिरता है फिर वो खड़ा होता है, पहले गिरता है वो फिर खड़ा होता है, पहले गिरता है फिर वो खड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि सस्पेंस ऐसे ही बिल्डअप होता है ना। और अगेन कुरान से कनेक्ट करना चाहते, थोड़ा बहुत कुरान का तर्जुमा मैं सुनता रहता हूँ, कुछ बातें कनेक्ट होती रहती हैं, और इसीलिए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ने रिलीजन से कनेक्ट कर दिया और रिलीजन मुझे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने कैसे समझ लिया कि हम तुम्हें बगैर आजमाए हुए कामयाबी देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी जान से, माल से, औलाद से आजमाएंगे, आजमाइश शर्त है, ठीक है। सो अगर आजमाइश आई है तो हाय अल्लाह ये तूने मुझ क्या कर दिया, मैं ही रह गया था, मैं ही था, मेरे लिए मसले थे, ये COVID-19 आ गया, मेरी जॉब चली गई, मेरे लिए हो गया, मेरे क्लाइंट ढूंढ गए, सारा कुछ चैलेंज स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल के बाद तुम्हारी कामयाबी है। उस हार्डशिप में तुम्हें
हीरा बनने के लिए उस कोयले को उस ईंधन से गुजरना पड़ेगा हीरा बनने के लिए, तो वो पॉलिश कर रहा है इस स्ट्रगल से गुजारने के लिए।